अभी बात करते हैं पीओके से आने वाली आवाजों की। जिस तरह से हमारे यहाँ कॉलोनियों में सुबह सुबह आवाजें सुनाई देती हैं, भिंडी ले लो, बैंगन ले लो, तोरी ले लो, आजकल पीओके में बस एक ही आवाज गूंजती है, कश्मीर ले लो, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। नाम के आजाद है, असली तरी इधर है, जिसे देखकर ही उनकी लार टपक रही है। हाँ, अभी भी उधर के कुछ कश्मीरियों को कीड़ा है आजादी का, लेकिन मेजोरिटी क्या चाहती है सबको पता है। देखिए तिरंगा लहरा रहा है पीओके में। साथ इंतजार फैलाने, जबरदस्ती लोगों के कारोबार, दुकानें, रास्ते, सड़कें बंद करने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को बकायदा तौर पे पब्लिक ने मारा। इन फसादात में एक पुलिस अफसर की शहादत हुई। ये लाहौरी रेंजर समझ के गए थे आगे इमरान खान बैठा है, पीपनी बजा दी इनकी। क्या तुक बनती है, मांग क्या रहे हैं कश्मीरी? अरे भाई, कोई पिज्जा बर्गर थोड़ी मांग रहे हैं, आटा मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, जो कि है ही उन्हीं की। वो पूरी भी नहीं मिलती और जितनी मिलती है इतनी महंगी दामों पे मिलती है। वो पानी ना दे, बिजली ना दे, तो तुम क्या क्या खा लोगे तुम? मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रही। जो थोड़ा बहुत छोटी छोटी पूड़ियों में आटा मिल रहा है वो कश्मीर की देना है, इसमें कोई शक नहीं है। फिजा खान जिस जमहूरी झंडे की बात करती है भाई, नीचे उतार दिया, पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया कश्मीर की जानिब से। दोनों झंडे जो है कश्मीर के लगाए। अब मजे की बात है, अब अल्लाह किनके साथ खड़ा होगा, ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान है, नारा तकबीर ये भी लगा रहे हैं, वो पंजाब वाले भी लगाएंगे। ये देखें जिस तरह लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे, वायलेंस भी बढ़ रहा है, वायलेंस से तो ये चीज़ नहीं रुक सकती। पाकिस्तान पहले कितने महाजों पे खड़ा हुआ है, ये कितने महाजों पे लड़ेंगे? अब यहाँ पे इंडिया ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आप अपनी नाकामियों की वजह से अपने बोझ तले, अपने झूठ के बोझ तले आप दबते चले जा रहे हैं। ये सारे पाकिस्तानी कौन है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं निसंग ग्रुप। आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो है मिस्टर इंडियन बेकर का। इनका वीडियो बहुत ही अच्छा होता है और इन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक ही वीडियो के अंदर रोस्ट कर दिया है पीओके को लेकर। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने एक कोर्स बनाया है रिएक्शन वीडियो, आप किस तरीके से बनाएंगे, कैसे अपने चैनल को सक्सेसफुल करेंगे, जिसका प्राइस अभी के समय में 1000 रुपये है। तो जल्दी से जल्दी आप खरीद लीजिए, नहीं तो इसका प्राइस बढ़ सकता है। आइए हम लोग वीडियो देखते हैं। वही पंजाब पुलिस है जो मैंने कल आपको दिखाई थी, जिसने कल ही मार खाई थी, कई दिन पहले खाई थी, लेकिन मैंने आपको कल दिखाया। ये पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया। अरे काके बजा रहा है। खुसरो से रेल बनवाई थी इसी पंजाब पुलिस ने, वो पहले फौजियों ने बजाया, अब खुसरो ने बजाया। आगे देखते हैं कौन बजाता है। ये वही पंजाब पुलिस है जिसकी वर्दी पहनकर करोड़ों तिलक की जान मरियम कथकली कर रही थी। ये जज्बा, अब इनका भी जज्बा। पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा उन्होंने उतारा, ऐसे ऐसे वहाँ पे नारे लग रहे हैं। क्या नारे लग रहे हैं जरा देखें, आपको थोड़े से कुछ विजुअल्स मैं दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखें, कुछ आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, कुछ विजुअल्स दिखा देता हूँ। ये रेंजर्स की गाड़ियां भी जला दी उन्होंने, सब कश्मीर में हो रहा है, पिछले 2 दिन से हो रहा है। बतौर कौम हम किस तरफ चल पड़े हैं? और मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कौन लोग थे, क्यों पता नहीं, जिन्होंने आजाद कश्मीर जैसे पुरअमन इलाके के अमन पसंद, अपने काम से काम रखने वाले, पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करने वालों को फसाद पर उकसाया। बोल दे हिंदुस्तानी थे, क्या हुआ क्लिप नहीं आज तेरी टीम के पास? मैं देता हूँ टीम को, बोल चला मुन्ना मुन्नी को। पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया कश्मीर की वयूर अवाम की जानिब से। दोनों झंडे जो है कश्मीर के लगाए। ये आजादी के जो नारे लगते थे इंडिया के कश्मीर में हम लगवाते थे कि छीन के लेंगे आजादी, वो जी वहां पे हिंदू जुम कर रहा है, बेचारे मुसलमान भाई वगैरह। अब ये क्या है, ये कौन है, काफर है या आपके मुसलमान है? क्यों फजी तेरी फौजी गिरी उतर गई? इनके खुदा और तेरे खुदा का नाम एक ही है, अब तो हिंदुओं की साजिश नहीं, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें तो निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा किसी को इस बात की जरूरत ना हो, हिम्मत ना हो कि दोबारा ऐसे करे। हद हो गए भाई, फीजा टाइप कुछ बोल रहे हैं कि इतने सालों तक कश्मीरियों को खिलाया और आज यही कश्मीरी हमारे पुलिस वालों को मार रहे हैं। जैसे गंदा नहीं होता, मशीन में डालकर एक बार दो बार तीन बार चूस डाला, सिर्फ इन पंजाबी पाकिस्तानियों ने चूस लिया जोंक की तरह से बाकी के पाकिस्तान को। कश्मीर ने पाकिस्तान को खिलाया है। चलिए अब देखते हैं मुन्ना भाई क्या खोज कर लाए हैं। आपको बता दूं, मुन्ना भाई को एक काम असाइन किया था मैंने कि भाई ये पाकिस्तानी जो
गधर मूत्र से सस्ता नशा तैयार करते हैं ना, जिसे चाड़ कर ये हमेशा तिलस्मी बातें करते हैं, वो कहाँ से आता है पता लगा जरा। चलिए देखते हैं मुन्ना भाई ने क्या खोजा है, कहाँ है वो फैक्ट्री, कैसी है, क्या होता है आखिर वहाँ। ये जो आजाद कश्मीर के रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुहब्बे वतन है। रुको जरा, लगाना एक बार फिर भाई। 5 फरवरी तो एक फ्रॉड डे, जो जो है एक इस तरह का उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि जो यहाँ के कश्मीरी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या 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 क्या, फिर से एक बार। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके लाल परी, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आजाद कश्मीर। हम इसको ऑक्युपाइड कहेंगे क्योंकि ये तो बाहर नाम निहाद आजाद, लेकिन है ऑक्युपाइड। डूपी का घूंट मार और बोल जैसा हमेशा कहती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बढ़िया जोक था भाई। ये आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो गई। पोर्कियों ने 9 मई का इंतजाम कर रखा था और कांड हो गया 10 मई को। तुम लोग एक काम करो, पूरा मई का जो महीना है ना, इसे ब्लैक मंथ घोषित कर दो। पूरे मई कर्फ्यू लगा कर रखो, कभी भी किसी भी डेट को कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। 5 मई को पंजाब पुलिस ने खुसरों से मार खाई। आगे देखते हैं कौन बजाता है। और 10 मई को पोकियो पीओके वालों में इमरान खान घुस गया। बड़ा फुदक रहे थे पोर्की, राजनाथ सिंह ने ये क्या कह दिया, वहां बैठकर ये क्यों कह दिया, हम आइटमी पावर है, हमारे पास कमाल के आइटम है। दूरदर्शी है भाई, दूरदर्शी। तुम्हारी तरह से बस वो ऐसे नहीं होता क्या, वो खोते गधे के तुम लगाते हो ना, सिर्फ इतना ही नहीं दिखता, दूर का दिखता है। छल्ली इंडिया मत करो, गलती ढूंढो। हम वो लोग ही नहीं है जो गलती मान ले, नुकसान के बाद भी गलती नहीं मानते। मत मानो, करवाते रहो अपनी बद्दोबद्दी। आए हाय, ओए होए। दोस्तों वीडियो आपने देखा, इसमें पीओके को लेकर पाकिस्तानियों को रोस्ट किया गया था और ये बिल्कुल सही रोस्ट है। हालांकि जो पीओके के अंदर बवाल हुआ था उसको लेकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है झुक चुकी है और वहां पर जो बिजली के प्राइस हैं, जो पहले 60 रुपए हुआ करते थे, आज के समय में शायद 3 रुपए कर दिए गए हैं और वहां पर आटा सस्ता कर दिया गया है, उसके ऊपर सब्सिडी दी गई है। खास बात यह है कि जो पीओके के लोग हड़ताल कर रहे थे, उनकी दो सबसे बड़ी डिमांड थी। पहली एक थी कि जो वहां पर बिजली के प्राइस है उनको जो है कम किया जाए और लोगों के जो बिजली के बिल 1,15,000, 20,000, 2 लाख रुपए आते हैं, वो जो है कम किए जाए, सही बिजली का बिल भेजा जाए। और इसको लेकर पीओके के लोग पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्होंने खंभे तक उखाड़ दिए थे, उसके बाद में भी लोगों के बिजली के बिल जब आते रहे तो ये सारे लोग इकट्ठा होकर रोड के ऊपर आ जाते। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था हड़ताल का, वो था आटा। मतलब यहाँ पर एक तो आटा मिल नहीं रहा था और दूसरी बात, जो वहां पर आटा मिल रहा था उसका प्राइस बहुत ज्यादा था, लगभग 180 रुपए किलो के हिसाब से वहां पर आटा मिल रहा था और ये लोग जो पीओके के लोग थे, ये इनके पहुंच से बाहर था, लोग भूखे मर रहे थे, खाना नहीं मिल रहा था, इस वजह से भी लोग रोड के ऊपर आ गए। और यही गुस्सा था जिसकी वजह से जब पुलिस वहां पर रोकने गई प्रदर्शन, तो पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, मतलब इनके कपड़े फाड़ फाड़ के मारे गए, कमिश्नर लेवल के बंदों को मारा गया, आर्मी के ऊपर अटैक किया गया, वहां की जो पाकिस्तान आर्मी है उनके जो है गाड़ियों को जला दिया गया। इसके अलावा वहां पर नारे लगे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम पाकिस्तान से आजादी लेकर रहेंगे। अच्छा, ये सारे नारे लग रहे थे पाकिस्तान के अंदर और यही लोग कहते रहते थे कि हम जो है भारत से कश्मीर को आजाद कराएंगे, मतलब उल्टी सीधी बातें हमेशा करते रहते थे। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान से आजादी लेने के नारे जब लग रहे हैं, तो उन बातों को लेकर कोई पाकिस्तान के अंदर बात नहीं करना चाहता है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने रोस्ट किया है और जो जो पॉइंट उठाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उठाए हैं। अगर पाकिस्तानी देखेंगे तो खराब जरूर लगेगा उनको ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो 100% सही है। अगर इन सारी चीजों के ऊपर ये गौर करेंगे तो आने वाला जो समय होगा वो अच्छा होगा और पीओके के लोग, तुम लोग ऐसे ही लगे रहो, हो सकता है जल्दी ही तुम लोग भारत के अंदर मिल जाओ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।